नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को ऐसे ही महान नहीं कहा गया, उनकी बताई गई बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसा करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि सुखी जीवन जीने के लिए चाणक्य नीति की बातें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज भागम भाग में हम कई बातें ऐसी भूल जाते हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं, और उनके बिना हम अपनों को ना चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना जरूरी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में जीवन को सुखी बनाने के लिए कई बातें बताई हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पत्नी जब असंतुष्ट होती है तो वो क्या इशारे करती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जब वो असंतुष्ट होने पर करती हैं। इन इशारों को भांप कर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, बात कम करना। दोस्तों, पत्नी को बातूनी भी कहा जाता है। जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति से बहुत ज़्यादा बात करती है। कभी तो पति को यह कहना पड़ता है कि बस करो, कितना बोल रही हो। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वो असंतुष्ट है, यानी आपकी किसी बात से वो नाराज चल रही है। दोस्तों, कम बात करना पत्नी की असंतुष्टि का इशारा करता है। ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करें और जानें कि वो किस बात से परेशान है। ऐसा करने से वो बात आपसे शेयर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी। नंबर दो, हर बात पर गुस्सा आना। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि पत्नी के लिए पति कितनी अहमियत रखता है। पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे, यानी बात बात पर झगड़ा करने लगे और गुस्सा करे, तो समझ जाइए कि वो किसी ना किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए। नंबर तीन, बस अपने बारे में सोचना। दोस्तों, पत्नी के बारे में कहा गया है कि वो अपने पति की हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो किसी ना किसी बात से असंतुष्ट है। दोस्तों, हो सकता है कि वो आपकी किसी बात से नाराज हो। इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए। उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वो फिर पहले की तरह आपसे प्रेम करने लगेगी। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।